स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते नारकीय जीवन जी रहे कस्बावासी। भरतपुर डीक कस्बे के वार्ड नंबर 4 स्थित अरविंद कॉलोनी में पिछले कई महीनों से जल भराव की समस्या बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कॉलोनी वासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के ऊपर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार उपखंड अधिकारी एवं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की जनसुनवाई में भी इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन देने के अलावा कोई कार्यवाही नहीं की। स्थानीय निवासी जितेंद्र एवं अन्य लोगों ने बताया कि जलभराव की वजह से स्कूली बच्चे एवं अन्य लोग भी चोटिल हो चुके हैं। वहीं मौके पर मौजूद एक युवक ने बताया कि उसके माता पिता के हाथ पैर भी इस जलभराव की वजह से फ्रैक्चर हो चुके हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव की वजह से मौसमी बीमारियां पनप रही हैं। जलभराव के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिसकी वजह से डेंगू जैसे रोग बढ़ रहे हैं और कई लोग इसकी चपेट में भी आ चुके हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, जिससे उन्हें नारकीय जीवन जीने से छुटकारा मिल सके। मेरा मकान बिल्कुल एंड में, जहाँ पानी का एंड है, जहाँ पानी बिल्कुल भरा हुआ है, और मेरी मकान की नीम में पानी जा रहा है। अगर उसमें कभी भी कोई जलहानि हो सकती है। मेरी पत्नी 5 साल से बीमार है, वो बाहर नहीं बैठ नहीं सकती, बाहर धूप में आकर वो बाहर धूप में भी आके नहीं बैठ सकती, इतने वो मच्छर और वो है, जिसके कारण मेरे घर में बीमारी भी फैली हुई है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।